काम की जो तुम ब्राह्मण का परिवार हिंदुस्तान और किसान की बात में जाता है नाम साहब1977 के मायने जरा इंदिरा गांधी जी हार गई और उत्तरी भारत के मायने पार्टी को सफयो उगो सुपड़ो साहब उगो भी टाइम में नाथूराम मिर्दा एक सीट उत्तरी भारत में जीत नागौरू गया शख्सियत नाथूराम मिर्दा है। नाथूराम जी मिर्दा थाने कोई बांगी लंबी थोड़ी बात बताऊ की आवश्यकता को नहीं क्योंकि 70 साल ऊपरे को आदमी है देखो नाथूराम जी का करियोड़ा कामाने जाने दूसरा के मायने नाथूराम जी को ओ भाई रिकॉर्ड बनायोड़ो है जर हमे हॉस्पिटल में रहते हुए 1,59,000 सिर्फ मां 2-4 आदमी बांगी अपील बांटने गांव मायने किया और नाथूराम मिर्दा बहुत भारी मतों 1,59,000 चुनाव जीतियो हॉस्पिटल में सोते हुए है कोई नर है इनको आज है कोई नर देखो हॉस्पिटल में जीत सके बाबा का खरियोड़ा आने को काम बाबा वो मर्द नेता हो मैं क्यों देखा मैं महेंद्र चौधरी और अब्दुल अजीज मकरानाला और हमारे साथ हो रहा एक दो जना ज्योति के माता जी मां एम्स हॉस्पिटल में बाबा भर्तिया जरा गया पीवी नरसिम्हा राव देश का प्रधानमंत्री मैं मिलने आया शाम का 5 बजिया सुबह सोनाराम जी कर्नल भट्ट हार बैठ गया क्यों बाबा हमारी टिकट काट दी रात का श्याम का नरसिम्हा राव जी ने नाथूराम जी कियो नरसिम्हा राव साहब मैं चुनाव को लड़ू ना गोर हूं क्यों नाथूराम जी साहब आपके अलावा कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं आपको लड़ना पड़ेगा क्यों अगर सोनाराम का टिकट नहीं दिया कल तो नाथूराम मिर्दा आपकी पार्टी की लुटिया दुबो देगा राजस्थान के अंदर आप बात नाथूराम मिर्दा की बात आप कोई कह सके प्रधानमंत्री नाथूराम जी मिर्दा देखा मैं हाथ रख दियो वो एमएलए बन गो रिजपाल मिर्दा डेगाना हूं मोहनलाल चौहान जाइलू परबसर हूं मोहनलाल बारूपाल जाइलू अब्दुल अजीज मकराना हूं रूपाराम मकराना हूं गुलाम मुस्तफा नागौर हूं देखा मैं तो हाथ रखियो वो एमएलए बन गो तुम्हारी माता बहना भी इतनी संख्या में उपस्थित हुई है आप सब लोग आया हो मैं कहूं जितनी बात बाबा की घनी बात है 1 घंटों में और कह सकूं पर प्रोटोकॉल के आधार माते मैंने इतनी इजाजत को नहीं बोलने की एक निवेदन और करूं भैया 20 साल पहली सिविल लाइन्स में जाता तेरा हर तीजा बंगला माते लिखियोड़ो मिलतो नाथूराम मिर्दा परसाम मदेना रामन्यास मिर्दा कुंभाराम चौधरी शीशराम ओड़ा हाथ हजार देखो कोई प्लेट मत नाम मिलेगा ना आगे ताकत घट रही है राजनीति में 25% थे हो राजस्थान के मायने मैं जाट कुंभ के मायने गियो बीघा पर्दा माते लिखियोड़ो देखियो जाट बलवान जय भगवान जाट बलवान जरे आप दूजी कोमा ने साथे ले छाती के छिपोई अरबा ने साथे लेर बाने गले मिलाई और आप आगे लेर बढ़ा जरा आप बलवान बन सका जरा एक लाप बलवान नहीं बन सका है नाथूराम जी मिर्दा के साथ मैंने सौभाग्य मिलियो 30 साल मैं बांगे साथ काम करियो और मैं बांगो रिश्ता में भतीजो लाद तो बांगा छोटा भाई को लड़को और नाथूराम जी मिर्दा कदई मैंने भी ऐसे तू बात कौन करता मारो दोस्त ही राजता जो दोस्त की ऐसे तू बात करता मारो नाथूराम जी मिर्दा में बेगुण हा देखा आज का कोई नेता में दिखा आपने मां महीम अटे आया अजमेर में अपने जाट विश्राम स्थली बनाई मां महीम खुद साथ आया महाराजा सूरजमल संस्थान दिल्ली में खड़ो करियो भी मैं नागौर का किसाना को पयो लगेड़ो रायडा की बोरिया बेच रे चंदो दियो रायडा की बोरिया बेच वो नाथूराम जी मिर्दा ने दियो वो चंदो नाथूराम मिर्दा का अनेक अनेक काम ऐड़ा करियोड़ा देखा जिंदगी में नहीं बुला सका भैया खातेदारी को कोई कम काम करियोड़ो ट्रोली टैक्स टाटा कुटी थी ले लेता ट्रोली टैक्स ठोकर में हगड़ा माफ कराया बाबा का कराया आज नाथूराम मिर्दा जी ने क्यों याद कराया कोई संत महात्मा कियो है कि भाई अच्छो काम करने के वास्ते 100 साल की आयु की आवश्यकता नहीं है हाने भगवान जो जीवन दियो है भी मैं एड़ा काम कर सको देगा जाऊन आला 100 साल और आऊन आला 100 साल लोग थाने याद करे एड़ो काम करना थी तो मैं आज हजारों हजार लोगों का दर्शन करिया आपका मैं बे ज्योति जी और कटारिया साहब और बोली निवास्त है आप सबका दर्शन करिया आप जितना भी लोग ही महामहिम साहब के प्रोग्राम में पधारिया हो आप भगवान का रूप हो कहनो कि आत्मा सो परमात्मा ताकि आत्मा में हर बहन बेटी के हर माँ बाप भाई के
आत्मा में परमात्मा विराजे और भी का मुखार बिंदु जका शब्द निकले परमात्मा की इजाजत तू निकले भी का हुक्म निकले इमारत है सब आप भगवान का रूप आपकी आत्मा में बड़ी ताकत है प्रजातंत्र में सब ताकत थकने है भी को खरा उपयोग करना है खरा कहीं करना है वो सब थे धड़ो तो मैं आप हमारी बात अब समाप्त करूं भी पहली एक वीर तेजाजी महाराज को नारो लगवाऊ मां मही पहली खरनाल में गया बार तेजाजी महाराज का दर्शन करिया बहुत खुश हुआ मां महिम के धर्मपत्नी जी भी साथ आया दोनों जोड़ा हूं दर्शन करिया तेजाजी महाराज का बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय हो जोर हूं एक बार और बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय हो बहुत 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 धन्यवाद महोदय और अब मैं हमारे बीच नाथुराम जी मिर्धा के जीवन दर्शन को लेकर एक 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो हमने मां महिम से इजाजत की ली थी वो आपके बीच में मैं चाहूंगा कि वो आप सभी लोग देखें जिस महामाना के जीवन दर्शन को देखकर आप निश्चित रूप से एक ऐसे महामानव के दर्शन करेंगे जो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है यस स्टार्ट डॉक्यूमेंट्री Yes. मिर्धा नाथुराम लोकतंत्र दर्शन में जिनका चिंतन बिंदु किसान बना मारवाड़ की मरुभूमि से श्रम सिंचित सम्मान तना प्रांत देश फिर दिग दिगंतर छाया जो बनकर अभिराम सत्य पुजारी सतत तपस्वी बाबा मिर्धा नाथुराम मारवाड़ में सामाजिक जागृति से लेकर राजनीतिक चेतना और नेतृत्व क्षमता के अद्भुत धनी श्री नाथुराम जी मिर्धा मारवाड़ के गांधी और जनमानस के संरक्षक के रूप में बाबा के नाम से जगत प्रसिद्ध हैं। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप जी धनखड़ साहब के मुख्य आतिथ्य और बाबा नाथुराम जी मिर्धा की पोती पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा जी की अध्यक्षता के साथ राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया और लोकप्रिय किसान नेता रिचपाल जी मिर्धा के विशिष्ट आतिथ्य और हजारों लोगों के जन समुदाय की गरिमामय उपस्थिति में शक्ति और भक्ति की धारा मेड़ता सिटी में किसान कौम के रहनुमा श्री नाथुराम जी मिर्धा की मूर्ति का अनावरण मिर्धा साहब के चाहने वालों के लिए स्वर्णिम दिन है। राजस्थान के किसान गांधी मरुधर रत्न और जाट शिरोमणि जैसी उपाधियों और सम्मान से विभूषित श्री नाथुराम जी मिर्धा का राजस्थान में टेनेंसी एक्ट लागू करने से लेकर शिक्षा कृषि पशुपालन वित्त पंचायती राज ग्रामीण विकास सिंचाई सहकारिता राजस्व और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्यकाल किसान कौम के लिए पुनरुद्धार का युग रहा है। 20/1921 को पिता श्री थानाराम जी मिर्धा के घर माता श्रीमती गोगी देवी की पावन कोख से जन्म लेने वाले नाथुराम जी मिर्धा ने 75 साल के जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों के बीच साहस और पुरुषार्थ के बल पर विराट व्यक्तित्व का निर्माण किया है। नाथुराम जी मिर्धा ने कुचेरा से प्राथमिक शिक्षा जोधपुर से हाई स्कूल और कॉलेज की शिक्षा लेने के बाद 1946 में लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB और अर्थशास्त्र में मास्टर्स डिग्री हासिल की। मिर्धा साहब ने
सभी कक्षाओं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वर्ष 1936 में नाथूराम जी मिर्धा का वैवाहिक जीवन दे गांव की लाडली बेटी केसर देवी के साथ शुरू हुआ। कानून की पढ़ाई करने के बाद नाथूराम जी मिर्धा ने 1946 में जोधपुर उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की और वहां पर गरीब जरूरतमंद किसान भाइयों के मुकदमों की निशुल्क पैरवी करके आपने किसान कौम के प्रति अपने कर्ज और फर्ज को अदा किया। सन 1940 में किसान केसरी श्री बलदेव रामजी मिर्धा के सानिध्य में मारवाड़ किसान सभा की स्थापना हुई और 1946 में बलदेव रामजी मिर्धा ने सर छोटू रामजी की अध्यक्षता में एक ऐतिहासिक किसान सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें नाथू रामजी मिर्धा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये किसान सम्मेलन मारवाड़ में सामाजिक और राजनीतिक चेतना का मूल मंत्र बना। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी और किसान केसरी श्री बलदेव रामजी मिर्धा के सानिध्य में राजनीति का पाठ पढ़ने वाले श्री नाथूराम जी मिर्धा 6 मार्च 1948 में जोधपुर स्टेट में बनी जनप्रतिनिधि सरकार में राजस्व मंत्री बने। राजस्व मंत्री के तौर पर 1949 में मिर्धा साहब ने मारवाड़ टेनेंसी एक्ट बनाया और राजस्थान किसान सभा की स्थापना की। यहीं से नाथूराम जी मिर्धा ने किसानों को अपनी जमीन का मालिकाना हक देने का अध्याय लिख दिया था जो बाद में 1956 में राजस्थान टेनेंसी एक्ट के रूप में संपूर्ण प्रदेश में लागू हो गया। 1952 में हुए आम चुनाव में श्री नाथूराम जी मिर्धा मेड़ता से प्रथम विधायक बनकर राजस्थान विधानसभा पहुंचे। राजस्थान के प्रथम शिक्षा एवं वित्त मंत्री के रूप में राजस्थान का पहला बजट पेश करके प्रदेश को विकास की गति देने की आधारशिला भी नाथूराम जी मिर्धा ने ही रखी थी। 4 बार विधायक और 6 बार सांसद बनने वाले मरुधर रत्न श्री नाथूराम जी मिर्धा ने नागौर से लेकर भारतीय राजनीति और विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। श्री नाथूराम जी मिर्धा राजस्थान की राजनीति में महिला सशक्तिकरण के प्रवर्तक रहे हैं। मिर्धा साहब की बदौलत राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री डॉक्टर कमला बेनीवाल जी, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी, विधायक गौरी पुनिया जी और पहली महिला जिला प्रमुख बाड़मेर की मदन कौर जी जैसी सशक्त महिलाओं ने देश का गौरव बढ़ाया है। वर्ष 1968 में नागौर जिला मुख्यालय पर पहला सरकारी कॉलेज श्री बलदेव राम मिर्धा महाविद्यालय के रूप में शुरू करवाने का श्रेय भी नाथूराम जी मिर्धा को ही जाता है। श्री नाथूराम जी मिर्धा ने राजस्थान किसान सभा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस, लोक दल और जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अनेकों राजनेता तैयार किए हैं जिनमें श्री जगदीप जी धनखड़, प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट जैसे दिग्गज शामिल हैं। 1972 से 1975 तक श्री नाथूराम जी मिर्धा राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष रहे और उन्होंने किसान हितों से जुड़ी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसकी अनुशंसा आज भी प्रासंगिक है और उसे पूरे विश्व के किसान समुदाय के कल्याण के लिए मॉडल माना जाता है। सन 1971 में श्री नाथूराम जी मिर्धा नागौर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे और ये सिलसिला 6 बार सांसद के रूप में 1996 तक चलता रहा। 3 प्रधानमंत्रियों श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह जी और श्री वीपी सिंह जी के मंत्रिमंडल में काम करने वाले श्री नाथूराम जी मिर्धा जन कल्याण के सच्चे मसीहा थे। जन सेवक से जन नायक का सफर तय करने वाले श्री नाथूराम जी मिर्धा की लोकप्रियता का प्रमाण ये है कि वर्ष 1977 में संपूर्ण उत्तरी भारत में जनता दल की लहर के विपरीत अकेले सांसद का चुनाव जीतकर देश भर में जन नायक होने का एहसास कराया। श्री नाथूराम जी मिर्धा
केंद्र में पंचायती राज संशोधन समिति के अध्यक्ष और संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष भी रहे और उनके दिए सुझाव आज देश में पंचायती राज के सशक्तिकरण और राजभाषा के उन्नयन और संरक्षण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। लगभग 55 वर्ष के राजनीतिक जीवन में दर्जनों देशों की यात्राएं, सैकड़ों परियोजनाएं, हजारों कार्य, लाखों नौकरियां और करोड़ों जनमानस के ख्वाबों को पूरा करने का इतिहास मिर्धा साहब के खाते में दर्ज है। श्री नाथुराम जी मिर्धा के राजनीतिक जीवन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर 1993 में जयपुर में हुए नागरिक अभिनंदन समारोह में आए लाखों के जन सैलाब ने नाथुराम जी मिर्धा को राजनीति का शिखर पुरुष स्थापित किया। भगवान शिव भोलेनाथ के परम भक्त नाथुराम जी मिर्धा विरोधियों की बातों को नीलकंठ बनाकर सहन करना और आम जन के पत्रों का हस्तलिखित जवाब देना उनके शिव भक्त होने की सादगी और सरलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। परबतसर का वीर तेजाजी पशु मेला, डीरवाना पशु मेला, नागौर पशु मेला और मेड़ता पशु मेले में नाथुराम जी मिर्धा का संबोधन जनमानस की आवाज का एक सशक्त माध्यम रहा है। इन मेलों और मिर्धा साहब का एक अद्भुत संयोग रहा है जहां से जमीनी हकीकत और राजनीतिक चेतना की आवाज बुलंद होती रही है। राजनीतिक मजबूती के साथ श्री नाथुराम जी मिर्धा ने शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए संगरिया में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना, बड़ाईली नागौर में श्री साईं बाबा शिक्षण संस्थान का निर्माण, नई दिल्ली में महाराजा सूरजमल शिक्षण संस्थान की स्थापना और विकास तथा डीडवाना और नागौर में ग्रामोत्थान विद्यापीठ की परिकल्पना को साकार करने में श्री नाथुराम जी मिर्धा का अद्भुत योगदान है। जनमानस में बाबा के नाम से प्रसिद्ध नाथुराम जी मिर्धा गरीब और जरूरतमंदों को बीमारियों के समुचित इलाज के लिए आर्थिक सहायता और मानसिक संबल देते थे जो उनकी करुणा और वात्सल्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। सैकड़ों हार्ट के ऑपरेशंस और हजारों नेत्र चिकित्सा का लाभ लेने वाले लोग उन्हें धरती का देवता कहकर संबोधित करते हैं। अपनी माताजी की धर्म परायणता और करुणा वत्सल भाव को देखते हुए श्री नाथुराम जी मिर्धा ने श्रीमती गोगी देवी सेवा ट्रस्ट की स्थापना की जिसके माध्यम से जन सेवा और सरोकारों के अनेकों प्रकल्प चल रहे हैं। पुष्कर का जाट शिव मंदिर और ग्रामोत्थान विद्यापीठ नागौर का गोगीबाई गर्ल्स हॉस्टल सेवा और समर्पण के मजबूत स्तंभ हैं। नाथुराम जी मिर्धा के जीवन से प्रेरित होकर श्री रिछपाल जी मिर्धा ने अपनी बेशकीमती जमीन दान करके नागौर जिला मुख्यालय पर श्री नाथुराम जी मिर्धा किसान छात्रावास बनवाया है जो आज आधुनिक शिक्षा का प्रेरणा स्थल है। 30 अगस्त 1996 को देश का ये सपूत और किसानों की उम्मीद बाबा नाथुराम जी मिर्धा सदा सदा के लिए परम धाम को चले गए। उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि और शत शत नमन करते हैं। मारवाड़ के गांधी और बाबा नाथुराम मिर्धा के सेवा कार्यों और उनके पुण्य स्मृतियों को अक्षुण्य रखने के लिए मिर्धा सिटी के मीरा प्रवेश द्वार पर मिर्धा साहब की अष्ट धातु की 11.25 फीट ऊंची दिव्य प्रतिमा लगाई गई है जिसकी जमीन अलॉटमेंट में तत्कालीन राजस्व मंत्री रामनारायण जी डूडी और सरपंच मोतीराम जी जाजड़ा का उल्लेखनीय योगदान है। इस मूर्ति समारोह के आयोजन को ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए जज साहब हरसुख राम जी पूनिया, पूर्व प्रधान रामकरण जी कमेडिया, चीफ इंजीनियर आर के झींझा, घासीराम जी चौधरी समेत अनगिनत लोगों का तन मन और धन का समर्पण है। जेवीपी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हरिराम केवड़ा ने डॉक्टर गणेश नारायण गुरुजी की प्रेरणा, जनमानस की भावना और मोहनराम मारुका के द्वारा लिखित राजस्थान के किसान गांधी श्री नाथुराम जी मिर्धा पुस्तक के संकलन
और अध्ययन से ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय की गरिमामय उपस्थिति में आप सबके बीच प्रस्तुत की है। आपके बहुमूल्य सुझाव और सहयोग अपेक्षित है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। आइए हम सबके बीच ये जीवन दर्शन हम सब ने जाने के बाद जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए। और मैं निवेदन करूंगा हमारी पूर्व सांसद बाबा नाथुराम जी मिर्धा की पोती आदरणीय ज्योति मिर्धा जी हम सबको संबोधित कर रही है। राम राम सर। माई की मोड़ा है कि लोग भी आज मोड़ा होगा भाई फिर बोलू एक कर। राम राम सर। आज मीराबाई की पावन धरा पर स्वर्गीय बाबा की प्रतिमा के अनावरण का ही कार्यक्रम में मंच माते उपस्थित भारत राष्ट्र का उपराष्ट्रपति जी जगदीप जी धनखड़ साहब, बाबा के साथ पधारिया डॉक्टर सुदेश जी धनखड़ साहब, राजस्थान में सरकार में मंत्री लालचंद जी कटारिया साहब साथ उपस्थित, तेलंगाना का पूर्व विधायक और किसान नेता ऋषपाल जी मिर्धा साहब, अरे वो मंच जखो ही साइड है नी मंच मंच माते घना ही नेता है। मैं घना नहीं ओल कुआ मऊ पर अगला का नाम ले जाना बाट फ्लाइट उड़न कोई टाइम हो जाए साहब के। हमारी तरफ हूँ मैं आप सगला को अटे अभिनंदन करूँ सा जीती हमारे सामने आज जनता जनार्दन बड़ा बुजुर्ग नौजवान साथिया मातावा बहना आप लोग पधारिया। देखो मैं साहब ने बतानी चाहूं कि मेड़ता जो है वो बाबा की कर्म भूमि है। मारो लोकसभा क्षेत्र भी कौन ला गया थे ऋषपाल जी और भाई विजयपाल जी को भी विधानसभा क्षेत्र कने ही लागे डेगाना लागे पर मेड़ता कौन लागे। तो साहब ने कहनी चाहूं कि एक स्पेशल बात है मूर्तियां घनी लाग्या करे आप जगह प्रेरणा लेनी चाहवा समाज में भले वे आपना बुजुर्ग हुए कोई नेता हुए कोई शहीद हुए बाकी मूर्ति अमूमन देखा कि भाई लागती रिया करे पर ये मूर्ति के बारे में एक खास बात है कि अब पूरी मूर्ति को जको कार्यक्रम लगानो इनको जको पूरी जकिया जगिया है इनकी व्यवस्था करनी पया की व्यवस्था करनी मूर्ति बनवानी एक हूं एक सगली चीजा लेर जन सहयोगी हुई आ हगड़ों बधाई की बात है आप लोग मन याद है कोरोना को टाइम हो हरभूत जी सार अपने हरसुख जी पूनिया सार कमेडिया जी और अगला जयपुर आया और मैंने कहो कि साहब मैं मूर्ति बनवावा हाँ एक चाल भी को निरीक्षण कराओ कि साहब साफ जड़ी लगे कि कौन लगे। मैं क्यों भाई मूर्ति बनवाओ माके बटे जयपुर फार्म के नेड़े ही है वह जगह अब वे मूर्तिकार आप विचे को नहीं रिया और बड़ा नामी आप है अर्जुन जी जका प्रजापत आप पद्मश्री आ राष्ट्रपति अवार्ड विनर आप बाकी भी कोरोना के दौरान बाकी इंतकाल हुई को बाकी डेथ हुईगी मां गिया जना वे मूर्ति बनाता जना मूर्ति की भव्यता देख मारो भी दिल घनो ही गदगद हुई और मैं क्यों किसा ही का तो जका पया लागी मैं दे दे क्यों नहीं सा कौन लेवा था एक आनो ही कौन लेवा मां अगला जका कर्मचारी हाँ मां इकट्ठे कर चंदा कर ई मूर्ति का जकापे आया बे देव। तो साधु बात है वा लोगा ने जको भी कोई मिना की मैं तन मन धन आपकी सेवा के कोई भी तरीके में योगदान करियो मैं कहनी चाहूं कि मिर्दा परिवार की ओर हूं मां सगला आप लोगों का सदैव ऋणी रह वाला। मैं बाबा ने तो देखो एक पहचान नागौर दिराई और नागौर ने एक पहचान बाबा दिलाई। मैं आप लोग तो ही कहूं कि आज आप उपराष्ट्रपति जी ने सुननी चाहवा मैं आपके भावनाओं ने देखता हटे आया है। देखो कोई चीफ गेस्ट अपन बुलाते हैं तो कोई सोचता है कि भाई जिस नेता का कद था उसके हिसाब से उनके चीफ गेस्ट बुलाना चाहिए। कभी हम देखते हैं कि बड़े से बड़े नेता आए लेकिन यहां एक और पहल हुई है और वो पहल यह है कि
स्वर्गीय बाबा के प्रति उपराष्ट्रपति जी माननीय जगदीप जी धनखड़ साहब की जो एक आत्मता है, एक पर्सनल उनका जो लगाव था उनके प्रति, उसकी वजह से वो आज यहां आए हैं। और अपनी अपने उद्बोधन में आपको ये बहुत से किस्से अपने बताएंगे, मैं सिर्फ एक दो चीज आप लोगों को बताना चाहती हूं। देखो, कोई अपना होता है तो उसका सुख में तो हम उसको याद करते हैं, लेकिन दुख में उसको सबसे पहले याद करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, और अगर आप लोग उस टाइम पे कोई लोग होंगे तो आपको याद होगा कि बाबा की उस टाइम आंख की कारी हुई हुई थी, तो बाबा सागे दिन नहीं आ सके थे और तीसरे दिन वो पधारे थे। और क्योंकि हम लोग सिरसी फार्म पे उस टाइम पे थोड़े समय पहले ही हम लोग शिफ्ट हुए थे, तो हमारे टेलीफोन नहीं लगा था, उसकी व्यवस्था नहीं थी। तो बाबा जब जयपुर आए थे तो उन्होंने किसको फोन करके गाड़ी मंगवाई थी, आप अंदाजा लगा सकते हो? हमारे बीच में आज सुदेश धनखड़ जी हैं, इनको फोन करके कहा था कि भाई मेरे गाड़ी भेजना, मेरे को फार्म जाना है। तो अगर ऐसे समय में कोई याद करता है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कितना अपनापन था जब उन्होंने मैडम को फोन करा और उन्होंने गाड़ी भेज गई। और भी बहुत सारा ऐसा एक लंबे समय तक तालमेल रहा। अभी उपराष्ट्रपति जी आज सुबह जब दिल्ली से पधारे, पहले जयपुर से पुष्कर गए, ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करे, जाट शिव मंदिर के दर्शन करे, फिर आपने बताया कि कार्यक्रम शायद नहीं था, फिर भी जो जाट विश्राम स्थली है वहां पे पधारे, विश्राम स्थली के अंदर भी जाकर के आए, नागौर आए, खरनाल में तेजा मंदिर के दर्शन करे, और उसके बाद आज मेड़ता डांगावास लैंड करने के बाद में बाबा नाथुराम जी मिर्दा के मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में यहाँ पे हमारे बीच में आए हैं। आ गया इनका लंबा प्रोग्राम था आज दिन भर का, अब जोधपुर से वापस आज दिल्ली पधारेंगे, तो ज्यादा लंबा समय नहीं लेके मैं सिर्फ अपनी ओर से समिति के लोग जिन्होंने इसके अंदर अपना पूरा सहयोग रखा, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात एकजुट होकर के मेहनत करी, उन लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं। साथ ही दो लोग जो आज हमारे बीच में नहीं है, एक मोती जी खाखड़ की, जिनका हमेशा से एक सपना था कि इस तरीके का एक कार्यक्रम हो, ये बगीची बने, बाबा की मूर्ति लगे, आज उनकी आत्मा को भी कहीं ना कहीं बहुत ठंडक पहुंच रही होगी ये कार्यक्रम देख करके, आलिशान यहाँ पे व्यवस्थाएं देख करके। साथ ही मैं वो जो मूर्तिकार थे अर्जुन जी प्रजापत, उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी बढ़िया प्रतिमा बनाई साहब की, जो एक सराहनीय सारी जिंदगी हमारे जो आने वाली पुश्ते हैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। माननीय उपराष्ट्रपति जी की भावनाएं आप अभी देखें, वो अभी मुझे ये कह रहे थे कि मैं यहाँ पे हॉर्टिकल्चर विभाग के अंदर लोगों से संपर्क करूंगा कि इस बगीची के अंदर ऐसे पेड़ लगाए जाए जो यहाँ पे अच्छे से फले फूले और बिल्कुल हरियाली बने रहे। ये आपको एक और तरीका, मतलब एक और भावना उनकी प्रतीत होती है कि भाई कितना वो इस जगह के बारे में सोच रहे हैं, कितना अपनापन करते हुए वो आज आप लोगों के बीच में पधारे हैं। तो मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए अपनी ओर से सभी व्यवस्थापकों को, सभी जो लोग यहाँ पे पधारे हैं उनको, मीडिया के बंधुओं को, सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबने पधार करके इस सभा को सफल बनाया, उसके लिए मिर्दा परिवार की ओर से सब लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हुए मैं मेरा स्थान ग्रहण करती हूँ। धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। आइए संबोधन की कड़ी में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कृषि पशुपालन आदरणीय श्री लालचंद जी कटारिया से निवेदन करूंगा कि हम सबके बीच में अपनी बात रखें। राम राम साहब। किसान केसरी स्वर्गीय चौधरी नाथुराम जी मिर्दा के मूर्ति अनावरण समारोह में समारोह के मुख्य अतिथि भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति सम्मानीय जगदीप जी धनखड़ साहब, मैडम डॉक्टर सुदेश जी धनखड़ साहब, नागौर की पूर्व सांसद सम्मानीय ज्योति मिर्दा जी, सम्मानीय ऋषपाल मिर्दा जी, विधायक विजयपाल मिर्दा जी, पूर्व मंत्री रामनारायण जी डूडी साहब, यहाँ मनचाद सिंह, सभी
पूर्व विधायकगण, यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, किसान भाइयों, माता और बहनों, नौजवान साथी, मुझे मौसम का थोड़ा खराब होने की संभावना, में ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा कि जिस प्रकार से नाथुराम मिर्धा जी ने लोकसभा और विधानसभा में नियम बना के, कानून बना के, आम आदमी के लिए नीतियां बना के इस प्रदेश का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन किया, मुझे खुशी आज इस बात की। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मूर्ति अनावरण समारोह समिति के सभी किसान भाइयों को, जो नाथुराम जी के उस जीवन काल में लगातार उनके साथ रहे, उनके आस्था के केंद्र रहे, कि आज उन्होंने मूर्ति अनावरण समारोह महामहिम उपराष्ट्रपति सम्मान्य धनखड़ साहब के सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है। मैं नागौर की धरती पे जब जब भी आता हूँ और इस प्रदेश में जहाँ जहाँ भी जाता हूँ, नाथुराम जी मिर्धा की हमारी नौजवान पीढ़ी भी चर्चा करती है और उनके साथ में रही बुजुर्ग पीढ़ी भी। मुझे याद है कि उन्होंने पंचायत राज को मजबूत करने का काम किया, किसानों की आवाज़ बुलंद करने का काम किया। और एक बार मुझे मालूम है, जब मैं भारत सरकार में मंत्री था तो उस टाइम के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक चर्चा के दौरान, हम 5-10 लोग बैठे थे जो देश में मंत्रिमंडल में थे, नाथुराम जी की चर्चा की, और उन्होंने कहा कि एक बार एक विदेश प्रतिनिधिमंडल आया, मैं भी उस प्रतिनिधिमंडल का सदस्य था। मनमोहन सिंह जी ने बताया कि नाथुराम जी को अंग्रेजी में पूछा गया कि आपके देश का कल्चर क्या है, तो उन्होंने बिल्कुल बेबाकी से जवाब दिया कि मेरे देश का कल्चर एग्रीकल्चर है। और उसकी व्याख्या की गई कि किस प्रकार ये भारत देश, जिसमें किसानों का प्रतिशत है, गांव का प्रतिशत है, गांव की आबादी है, गांव में किस प्रकार किसान रहता है, खेती करता है और पशुपालन का काम करता है, ये बात मनमोहन सिंह जी ने कही कि इतने बेबाक थे, इस तरह से अपनी बात रखते थे कि उनकी विद्वता और उनकी सोच आज पूरे देश में जो नीतियां बन रही है और जो चल रही है उससे हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है इस बात की कि इस नागौर की धरती पे मेड़ता की इस धरा पर आज का मूर्ति अनावरण समारोह रखा गया। और मुझे खुशी भी इस बात की है कि मैं सुबह से महामहिम के साथ में हूँ, मुझे अजमेर रुकने का मौका मिला तो मैंने वहाँ चलचित्र देखे पुराने समय के, धनखड़ साहब और नाथुराम जी के जिस प्रकार से वहाँ प्रदर्शनी रखी गई और जो बातें मैंने देखी, आप सोच सकते हैं कि उस जमाने में चौधरी चरण सिंह, नाथुराम मिर्धा, बलदेवराम मिर्धा, इनकी एक सोच थी कि किसान परिवारों के लड़के, नौजवान पीढ़ी राजनीतिक क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। आप अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि कुचेरा जैसी धरती पर जन्म लेकर नाथुराम जी मिर्धा ने दिल्ली की राजधानी में अपना परचम फहराया और सूरजमल फाउंडेशन के वो आजीवन सदस्य रहे, अध्यक्ष रहे लगातार, और आज देश की राजधानी में सूरजमल, महाराजा सूरजमल जो शिक्षण संस्थान है वो पूरे देश और दुनिया में अपना नाम कर रहा है, नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम करता है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ पुणे कार्यकारिणी को और आप सभी साथियों को, आप इस तादाद में बता रहे हैं, हम सबको महामहिम को सुनना है, इसलिए पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। आइए कि किंचित अभिज्ञान का गुमान करते ही नहीं, किंतु समझौता किया नहीं स्वाभिमान से, श्रमिकों के सम बिंदु शीश धाम लेखनी में दर्द पीना सीखते हैं गांव के किसान से। ऐसे किसान जवान विज्ञान संविधान की परंपराओं का सम्मान करने वाले भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय आदरणीय जगदीप धनखड़ साहब को बाबा नाथुराम जी मिर्धा की मूर्ति अनावरण के इस मुबारक मौके पर संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय, बहुत बहुत आभार और अभिनंदन के साथ, जोरदार तालियों के साथ में महामहिम का अभिनंदन। समिति के अध्यक्ष और सदस्यगण, राजस्थान सरकार के मंत्री भाई लाल सिंह कटारिया जी, पूर्व विधायक रिजपाल मिर्धा जी और बाबा की पोती, बाबा की लाडली, बाबा की ज्योति, ज्योति मिर्धा, उपस्थित महानुभाव, बड़ा बड़ा मोटा मोटा किसान नेता, ए धूप के माँ ते लोग हठे आया,
माता बहना आया, वो मौको बहुत खास है, मारे जीवन को यादगार पल है। बाबा जैसा और कोई नहीं, कहीं देख लो दूर दूर तक नजर फैला लो, बाबा की रीढ़ की हड्डी डॉक्टर बताया बहुत मजबूत है, कोई मिनट की इतनी मजबूत रीढ़ की हड्डी को नहीं। बाबा को पूरा कार्यकाल एक एक मिनट 24 कैरेट गोल्ड की तरह किसान के लिए हो। सर छोटू राम की बात, किसान केसरी बलदेव राम मिर्दा जी की बात न सिरे चढ़ाई बाबा, याद करो बहुत जमानू जागीरदारा की कितनी ताकत थी, देश आजाद कुनी हुए हो, जे टाइम कानून की पढ़ाई लेके बे उम्र के मां बाबा जो करे हो वो कोई सोच कौन सके। मेरे और मेरी धर्म पत्नी के लिए आज को यादगार पल है। उपराष्ट्रपति की शपथ के बराबर यो मौको है मेरे के लिए कि मेरे शहर को आदमी जन बाबा हूं, राजनीति सीखी, समाज को काम सीखियो, लोकसभा में बनके साथ ही हो, वह मोटा मंत्री या मैं छोटो मंत्री हो मैं साथ ही आ, बन की मूर्ति का अनावरण मैं करूं, बहुत बड़ो है मामलो है। वो दिन सदा मेरे के लिए यादगार रहे। नाथुराम मिर्दा कोई आदमी को नहीं आ, नाथुराम मिर्दा एक सोच आ, और मैं तुम्हें कह सकूं नाथुराम जी दूर की सोच वाला आदमी है, समाज को निर्माण करता। लोग आज भी याद कर रहे हैं, पशु मेलो है बाबू आओगो आपकी बात कह दो, बाबा की मन की बात पशु के मेले में आती और पूरे इलाके में पहुंच जाती और लोगों के पूरी तरह समझ में आ जाती, कोई लाग लपेट को नहीं। चार बार विधानसभा में और 6 बार लोकसभा में उपराष्ट्रपति बनने के पक्ष है। मैं बाबा का भाषण मंगाया, मैं तुम्हें बता सकूं बड़ी गहराई की सोच थी, मन बहुत कुछ समझते थे। कृषि आयोग के अध्यक्ष और मामला था किसान को क्या कीमत मिले, उनकी रिपोर्ट आज भी पढ़ने लायक है। बाबा ने जो बात की शुरुआत की उस बात को आगे बढ़ाना आप पर मारस्य को कर्तव्य है। मन बताओ थे चारों तरफ देखो, बाबा की चादर पर कोई कालिख लागी के, लागी के कोई कालिख कौन लागी। आज के जमाने में राजनीति है या कोयले की खान है, और कालिख जदी लाग जाए, 10 आदमी हो, 100 आदमी हो, 50,000 आदमी हो, बाबा एक ही बात कहते अंदर और बाहर, थोड़ी सी मेरे खरास है बाबा के लिए। मेरे और मेरी धर्मपत्नी के बीच में वह ए पर ज्यादा विश्वास करता, मेरे पर कम। मैं बाबा ने हर बार कहता बाबा मन्नत है समझन में भूल करो, बाबू एक ही बात कहते हो तुम भाग्यशाली है, एको कोई मुकाबलो को नहीं। बहुत सोच समझ के बाबा बात कही। मैं मेरी खुद की बात बताऊं, लोकसभा को चुनाव अजमेरू जो हारो मन में थोड़ी पीड़ा हुई,
थोड़ा मोटा मारो, थोड़ी सी कोशिश करता तो जीत जाता। लोगा बहुत मेहनत करी और मैं पुष्कर के मैं बर्मा मंदिर जाके जाट शिव मंदिर गयो। मैं की हालत ठीक को नहीं, यह बात मैं बाबा ने भी कही कि आपने मंदिर ठीक को नहीं, आपने हालत कैसे ठीक होगी। आज वो मंदिर, आज वह धर्मशाला, आज बठे का कार्यक्रम बाबा की देन है। सरकार का बड़ा बड़ा कार्यक्रम जाट पुष्कर धर्मशाला में हुआ है। 7 दिन पहले की बात है, महाराजा सूरजमल ट्रस्ट का बड़ा लोग मेरे मिलन आया। मैंने कहा भाई ये तो पौधा लगाया हुआ था, सबने एक साथ कहा यो पौधो नाथुराम मिर्दा जी लगाए हो, यो पौधो बहुत बड़ो हुआ है, ए हवन के मां ये भी आउती जो। और मैं मन ने कही है बाबा के सपना के अनुसार मैंने बहुत आगे बढ़ाऊंगा और निश्चित रूप में आगे बढ़ेगी। बाबा हमेशा किसान की बात करते हो, जयपुर के मां किसान छात्रावास बाबा की देन है। बाबा ने जिस भी संस्थान को लगा दिया उसका सृजन किया, उसको बड़ा किया, पर ध्यान एक ही रखो, खुद के घर में कोई चीज नहीं आनी है या जनता के बीच में जानी है। कठे मिलेगा ईसा मिनख आज के दिन, कठे मिलेगा ईसा मोटा आदमी आज के दिन। तभी तो मैं कहता हूं बाबा में कुछ खास था, बाबा का कोई मुकाबला नहीं है। बाबा को जब सुनते थे हम तो थोड़ा डर भी लगता था, कोई भी बात हो कहे बिना को नहीं चूकता। राजस्थान विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, सही मायने में देश के किसान के विकास के इतिहास में यदि अगर कोई वीर का पत्थर है, यदि किसी ने सर छोटूराम की बात को आगे बढ़ाया है, किसान केसरी बलदेवराम मिर्दा की बात को आगे बढ़ाया है, चौधरी चरण सिंह के सोच को सींचा है, उस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मेरे जैसे साधारण आदमी को मिला है। हो सकता है लोग मेरे जीवन की कई उपलब्धियां मानते हों, वकालत के पेशे में मानते हों, दुनिया में वकालत के उसको मानते हों, परमाता ने कह सकूं मेरे दिल की बात, मेरे मन की बात मैं कदे कुन सोची ही कि मैं इतना बड़ा आदमी हो जाऊंगा कि नाथुराम जी मिर्दा जी की प्रतिमा को अनावरण करूंगा। मारे जीवन में इतनो मोटो अवसर और को नहीं आवे, तो मैंने बहुत सोच समझकर आज का कार्यक्रम किया। और मैंने सोचा कि मुझे आज के कार्यक्रम में बाबा की आत्मा के अनुसार काम करना है, तो मैंने शुरुआत की सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी के मंदिर में जाकर, फिर जाट शिव मंदिर में पूजा की, धर्मशाला के अंदर अवलोकन किया। धर्मशाला के अंदर 15-16 फोटो लगी हुई थी, मैंने हरेक फोटो के सामने मेरी और धर्मपत्नी की फोटो खिंचवाई। वो फोटो बाबा की थी। बाबा कितना बड़ा व्यक्तित्व है और बन के साइड में मैं भी खड़े हूं, बहुत अच्छा लागो, मन भर गयो कि जो बात 30 साल पहले ही 35 साल पहले ही
मैं फोटो की आज के कदर हो रही है, वो काम बाबा करे। पाछे वीर तेजा जी उनके जन्म स्थान पर गए, हम धन्य हो गए। वीर तेजा जी के जन्म स्थान पर नतमस्तक होकर ऊर्जावान होकर मैं मूर्ति अनावरण के लिए आया। मैं अंदाजो लगा सकूं माता बहने बच्चे बुजुर्ग लोग नेता लोग उनको नाथुराम साहब की दो तीन बातें याद रखनी चाहिए। शिक्षा पर जोर दिया, किसी को कोई गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। जो गलत है वो बाबा की नजर में गलत है, कभी जायज नहीं ठहराया उन्होंने। आज के दिन बाबा जो सदा खरी खरी बात कहता, मैं भी ये मौके पर ताने आज के दिन कुछ खरी खरी बात कहना चाहूंगा। आज के दिन नहीं कहूंगा खरी खरी बात तो मैं बाबा के साथ न्याय नहीं करूंगा। मैं बाबा की मूर्ति को अनावरण कर रहा, बाबा के मन की बात यदि अगर मैं ताने न कहूंगा, तारो आशीर्वाद न प्राप्त करूंगा तो मारो मन अंदर रो पड़ेगा, वो मैं कुछ नहीं कर सकूं। मैं चिंता व्यक्त करता हूं, आपको चिंतन के लिए कहता हूं, आपको मनन के लिए करता हूं और कहूंगा कि आप रास्ता निकालो। मन ध्यान देना पड़ेगा, मारा टाबर मारा नवयुवक भटकना नहीं चाहिए। आज का टाबर जब भटक जाएगा, नशे के चक्कर में आ जाएगा, कानून के साथ खिलवाड़ कर लेगा, अरे हो सके है कानून तोड़न को आर्थिक फायदों मिल जा, हो सके है ध्वंस कर लूं तारो कोई काम निकल जा, हो सके धमकाना हूं ताने कोई फायदा हो जा। पर मेरी बात याद रखियो, और इस मामले में मेरा 40 साल का अनुभव है, गलत काम के खतरनाक गलत अंजाम होते हैं। कानून को हाथ में लेना खुद को बर्बाद तो करना ही है, अपने समाज को भी कलंकित करना है। हमारे नवयुवक जो पथभ्रष्ट हो गए हैं, चाहे नशे की लत हो, चाहे कहते हैं ना क्विक बक जल्दी पैसा कमाना, इकट्ठे होकर किसी को कुछ भी कह देना, आ बीमारी छोटी को नहीं। मेरी बात को ध्यान रखना, कोई कानून से ऊपर नहीं है। कानून का शिकंजा देर सवेर आपकी गर्दन तक पहुंचेगा। टाइम लग सकता है पर कानून का दरवाजा आपको फेस करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में जब हमारे किसान पुत्र प्रतिभावान हैं, मेहनती हैं, कड़ी मेहनत कर सकते हैं, मैं उनको आह्वान करता हूं, कृषि ग्रामीण विकास और सरकारी योजनाओं में भागीदारी मारो अधिकार है। जब आरक्षण की लड़ाई लड़ी गई थी किसान समुदाय के लिए, किसान जातियों के लिए, वो लड़ाई आसान नहीं थी, पर जो 20 साल पहले हुआ उसका नतीजा आज जमीन पर देखने को मिल रहा है, उसका नतीजा जबरदस्त रूप से देखने को मिल रहा है। मानने कोशिश यह करनी चाहिए
कि कृषि के मामले में, ग्रामीण विकास के मामले में मैं देश और दुनिया ने रास्ता दिखावा। मैं चाहूंगा कि हमारा टाबर ऐ मामले में पढ़े, प्रगति के रास्ते पर रहे, सकारात्मक रूप से रहे, समाज कल्याण की सोचें, देश की सोचें और रास्तों में भटकें। माताओं बहनों बुजुर्गों और मेरे युवा साथियों, वो कहते हैं ना, मैंने कम कहा है ज्यादा समझना। यदि अगर अब नहीं सोचेंगे तो सोचने का समय नहीं रहेगा। यह देश मूल रूप से किसानों का देश है। यदि अगर हमारी अर्थव्यवस्था का डंका दुनिया में बज रहा है, किसान के खून पसीने की वजह से बज रहा है, किसान बदल रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे को पीड़ा हुई, मेरे को परेशानी हुई जब किसी ने कह दिया कि 10 साल के ट्रैक्टर को सड़क से नहीं हटने देंगे। इसमें दो बड़ी बातें हैं, एक कानून का उल्लंघन, किसान का बेटा, किसान जो इतनी तपस्या करता है, सबके लिए अन्न पैदा करता है, वो कानून के खिलाफ कैसे जा सकता है। पर उससे भी ज्यादा गंभीर बात, पीड़ा की बात, परेशानी की बात, कि मैं समय के साथ बदलूंगा कि नहीं, कि मैं नई चीज खोल लूंगा। अरे जो इजराइल में हो रहा है खेती में, हम उसे आगे जाना चाहेंगे। दुनिया के किसी भी कोने में खेती विकास में जो कुछ हो रहा है, पशुपालन में जो हो रहा है, हम उसे आगे जाएंगे। मारुता ने एक ही बात कहनू है, बाबा की मूर्ति को अनावरण एक दिन को घटनाक्रम नहीं है। जब मैं अनावरण कर लियो तो मेरे मन में एक बात आई और ज्योति जी को मैंने कहा भी कि मैं दिल्ली जाते ही सबसे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कृषि का मां ज्यादा अनुसंधान करे है, और अपना लाल सिंह कटारिया जी को सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, मूर्ति के आसपास जो भूमि है उसमें यहां के मिट्टी के अनुसार, यहां के मौसम के अनुसार वो पेड़ लगाए जाए जो ये हरी भरी दिखे। वो काम आपा न करांगा तो कौन करेगा? 1 अरब 40 करोड़ को भोजन देने वाली कौम, किसान वर्ग, यदि अगर भविष्य की नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? भाइयों और बहनों, मन्नर मेरी धर्मपत्नी नाठिया के बहुत अच्छे लगे, यादगार दिन है। आठियों में 3 बात लेके जा रहे हूं। बाबा जितनी रीढ़ की हड्डी तो कुड़ी उसके, कोई डॉक्टर ने दिखा लो चाहे कुनी उसके, पर एने मजबूत रखूंगा। रीढ़ की हड्डी को हमेशा मजबूत रखेंगे। रीढ़ की हड्डी हमारी संस्कृति के हिसाब हुआ है, हमारे सोच के हिसाब हुआ है, हमारे समाज के हित के हिसाब हुआ है, हमारे किसान का विकास पे रहे, यो मैं वचन दू। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है, दक्षिण भारत के किसान नेताओं से बात करता हूं, वो नाथुराम जी को याद करते हैं। वो कहते हैं उनकी रिपोर्ट पढ़ी है। मैं नाथुराम मृदा अनुसंधान केंद्र यदि कोई बनेगा तो जितने भाषण उन्होंने दिए हैं पार्लियामेंट में वो भेजूंगा, उनकी एक अलग से पुस्तिका बनाऊंगा ताकि उनके सोच को आपको पता लगे।
नाथूराम मिर्धा ने हमेशा अपने समय से आगे सोचा था। आज मैं जब जिंदा होता तो एक बात को जरूर दुख करता कि हमारा टाबरिया, कुछ टाबरिया सही नहीं, अधिकांश टाबर ठीक हैं, सही रास्ते पर हैं, पर कुछ टाबर रास्तों हट गए हैं। और रास्तों अटके जो काम कर रहे हैं बनन ला गई में फायदो है, बनन ला गई तो मजो आ गो, ए काम करन में धमकाने में ध्वस करन के मां ताकत है, एम गाड़ी घोड़ा आ जाए लोग डरन लाग जाए ना, आ गलती मत करो, वो काम इतने खतरनाक है जैसे कोई आदमी डायबिटीज को बीमार है और रोज मीठी खीर खाए जीवन कम हो जाए। मैं आठे आके मारो जी तो बहुत राजी हो गए है, आठे दोबारा भी आवन को मन करेगो, बस यही कहूं इतना ते लोग इकट्ठा हुआ, आज सब बाबा को पराक्रम है, बाबा की बात ना आगे बढ़ावा ओ यापन प्रण लेनु चाहिए। तेजाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की, स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा।